नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सार्बिलिन सिरप के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस, कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको सार्बिलिन सिरप के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो आइए जान लेते हैं इसके मार्केट प्राइस के बारे में। तो सार्बिलिन सिरप 200 ml की ये पैकिंग है और इसकी मार्केट प्राइस 153 रुपये है और ये समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। ये सिरप बहुत ही मशहूर है, आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं इसके कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है। तो इसे फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में, इसमें क्या मिलाया गया है। तो इसमें ट्राइकोलिन सिट्रेट और सॉर्बिटाल होता है। इसके प्रत्येक 10 ml में ट्राइकोलिन सिट्रेट जो कि 0.55 ग्राम में होता है और सॉर्बिटाल जो कि 7.15 ग्राम में होता है। तो आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में, इसका इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो सार्बिलिन सिरप का इस्तेमाल लीवर से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। लीवर में कोई भी समस्या हो गई हो, फैटी लीवर की समस्या हो या लीवर में सूजन हो, तो इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी कारण से अगर लीवर में खराबी आ गई हो तो उसे ठीक किया जा सकता है इस सिरप के द्वारा। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल कब्ज़ की समस्या को भी ठीक करने के लिए किया जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी को कब्ज़ की समस्या हो या भोजन अच्छी तरह से नहीं पच रहा हो तो इन सब समस्याओं को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। तो इस सिरप को इस्तेमाल करने से भूख भी अच्छी तरह से लगती है। तो ये सब इस सिरप के मुख्य यूजेज हैं। और आइए जान लेते हैं सार्बिलिन सिरप के डोज के बारे में, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। तो एक एडल्ट व्यक्ति अगर इसका इस्तेमाल लीवर से संबंधित समस्या के लिए कर रहे हैं तो इसे 10 ml सुबह और 10 ml शाम ले सकते हैं और इसको खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना होता है। और अगर इसका इस्तेमाल कब्ज़ की समस्या को ठीक करने के लिए कर रहे हैं तो एक एडल्ट व्यक्ति के लिए 10 से 20 ml सुबह और शाम लिया जा सकता है। और अगर इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों के लिए कर रहे हैं तो 5 ml सुबह और शाम दे सकते हैं। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है अलग अलग होता है, समस्या के ऊपर निर्भर करता है कितने दिन तक इस्तेमाल करना है और एज और वेट के हिसाब से डोज अलग अलग हो सकता है। तो जितनी मात्रा में डॉक्टर्स कहें उतनी ही मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में, सार्बिलिन सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस सिरप के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त की समस्या हो सकती है, मुंह में सूखापन महसूस हो सकता है, चेहरे में सूजन, इसके अलावा कब्ज़ की समस्या और पेट में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। और इसमें मौजूद कंटेंट से अगर किसी को एलर्जी है तो एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में खुजली होना, दाने निकलना, लाल चकत्ते होना। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं। और प्रेगनेंसी में इस सिरप का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें। तो ये थी हमारी आज की जानकारी सार्बिलिन सिरप के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।